हमारी तस्वीर छुपी नहीं, छपी हुई है। हम सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, और दिन का उजाला रात का अंधेरा कुछ नहीं समझते हैं। हर दुख दर्द में जनता के हम शामिल रहते हैं। हमारी नगर निगम के जनता से एक ही अपील है, जात पात से ऊपर उठिए और सेवक चुनिए, और वैसा सेवक जो कुछ करना चाहता है उसके अंदर में। आप जहाँ भी हम जाते हैं, जिस वार्ड में जाते हैं, समस्याएं अनेक है। सबसे पहले तो जो अभी संकट है, कुदरती तौर पे जो संकट है, जल स्तर जो नीचे गया है, उसके लिए पानी का हाहाकार है। हम इंशाल्लाह डिप्टी मेयर में चुने हैं, अमनुल्ला खान को चुन लिए, एकदम चुन लिए, उसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं। चुना जाएगा हमको, चुनने से नहीं, पूरे समाज को चुन लिए। लोगों ने यह फैसला लिया है कि अमनुल्ला खान को ही वोट देकर के विजय बनावेंगे, क्योंकि हम लोगों का कभी भी कोई भी जरूरी होता है उनको खबर किया से तुरंत पहुंच जाते हैं। कि हम लोगों का यही दिली जज्बा है कि अमनुल्ला खान को डिप्टी मेयर के लिए जरूर भेजें, समझे, और बढ़िया वोट मतों से ये जीत कर विजय हासिल करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका है कि जब भी बुलाया इनको अपने दरवाजे पर, ब्याह शादी या जन्मदिन जिसके मौके पर बुलाया, हिचक न रात समझते हैं न दिन समझते दुख हो या सुख हो, दुख हो या सुख हो, क्या आप कहेंगे यहाँ नगर निगम 145 वार्ड के लोगों को, क्या आप संदेश देंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही देना चाहते हैं कि वो लोग भी खड़ा होकर के न हिंदू देखे न मुसलमान देखे, अमानुल्लाह खान को केवल देखे। देखिए डिप्टी मेयर का ये चुनाव तो आज हुआ है, और पहले से हम लोग जानते हैं अमानुल्लाह भाई को, वो कैसे आदमी है और वो क्या करते हैं समाज सेवी, समाज के लिए बहुत सारे काम करते हैं। वक्त जरूरत हर हमेशा जो क्या करते हैं अपने खड़े रहते हैं समाज सेवी में काम करने के लिए। क्या लग रहा है आपको, ये एकदम परखे हुए उम्मीदवार है, परखा समझा हुआ उम्मीदवार है, क्या हर तबका के लोगों की इनको वोट है? जी हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं और वोट देंगे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 लहरियागंज में। देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग लोगों की एक टीम है और जो यहाँ बैठे हुए हैं। इसी बीच में अभी अमानुल्लाह खान पहुंचे हैं। अमानुल्लाह खान डिप्टी मेयर के एक मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे उनसे कि आखिरकार डिप्टी मेयर का उन्होंने क्यों चुना, उम्मीदवारी क्यों चुना और क्यों ये डिप्टी मेयर से चुनाव लड़ रहे हैं। हम बता दें आपको कि अमानुल्लाह खान के बारे में जिस जानकारी मिली है कि एक बहुत पुराने समाज सेवी रहे हैं और इनके अपने खिदमत के वजह से, अपनी खिदमत की वजह से या जो है हर जगह पॉपुलर रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं। इनकी लोकप्रियता की वजह है कि आज जब ये डिप्टी मेयर के तौर पर खड़े हुए हैं, हर तबका के लोगों का वोट इनको मिलने जा रहा है। हम जानेंगे इनके बारे में यहाँ के लोगों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि आखिरकार अमानुल्लाह खान ही क्यों, क्योंकि 16 उम्मीदवार डिप्टी मेयर के लिए मैदान में है, वहीं 28 उम्मीदवार मेयर के लिए हैं और 15 उम्मीदवार जो है डिप्टी मेयर के लिए मैदान में है। हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के एक बुजुर्ग हैं जो सरदार भी हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर हसन। नूर हसन साहब, ये बताएं कि डिप्टी मेयर के भी बहुत सारे लोग हैं, अभी आपके सामने एक उम्मीदवार आए हैं, नाम भी आप खुद बताएंगे, आप लोगों ने क्या फैसला लिया है वार्ड नंबर 4 के लोगों ने? हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि अमानुल्लाह खान को ही वोट देकर के विजय बनावेंगे, क्योंकि हम लोगों का कभी भी कोई भी जरूरी होता है उनको खबर किया से तुरंत पहुंच जाते हैं। हम लोगों का दुख सुख में साथ दिया है और हम लोग भी उनको साथ देंगे। तो देखा अभी अभी ये सरदार से बात हुई है, ये भी अपने बिरादरी के एक सरदार माने जाते हैं। हम पहले दोनों सरदार से बात करते हैं, हम दूसरे सरदार एक आलम है, इसे भी हम बात करते हैं कि क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद आलम। थोड़ा करीब आइए कैमरा को, आप ये बताइए आलम भाई कि बहुत सारे लोग डिप्टी मेयर में है, 15 उम्मीदवार मैदान में है, क्या फैसला लिया है आप लोगों ने, लहरियागंज के लोगों ने? देखिए डिप्टी मेयर का ये चुनाव तो आज हुआ है और पहले से हम लोग जानते हैं अमानुल्लाह भाई को, कि वो कैसे आदमी है और वो क्या करते हैं समाज सेवी, समाज के लिए बहुत सारे काम करते हैं। वक्त जरूरत हर हमेशा जो क्या करते हैं अपने खड़े रहते हैं समाज सेवी में काम करने के लिए। क्या लग रहा है आपको, ये एकदम परखे हुए उम्मीदवार है, परखा समझा हुआ उम्मीदवार है, क्या हर तबका के लोगों की इनको वोट है? जी हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं और वोट देंगे। दर्शकों देखा आपने, ये आलम है, ये भी सरदार है अपने बिरादरी के, इनका कहना है कि हर तबका के लोगों का वोट उनको है। इसकी वजह यह है कि अमानुल्लाह खान अपने समझिए कह सकते हैं कि बरसों बरस से वो समाज के खिदमत का सेवा करते रहे हैं, सामाजिक खिदमत करते रहे हैं, और बगैर जात बगैर धर्म के वो हर जगह हर कौम में काफी पॉपुलर है, मशहूर है, मकबूल भी है। अभी हम बात करते हैं, यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। क्या फैसला लिया आप लोगों ने? हम लोग देंगे सबको मिलकर के, सब लोग मिल के दीजिएगा। हाँ हाँ।
अच्छा ठीक अच्छी बात है। अभी हम और भी बात करते हैं, एक जनाब है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रब्बानी, लहरियागंज वार्ड नंबर 4। रब्बानी साहब, क्या फैसला हुआ आप लोगों का? देखिए, हम लोगों का यही दिली जज्बा है कि अमानुल्लाह खान को डिप्टी मेयर के लिए जरूर भेजें, समझे, और बढ़िया मतों से ये जीत कर विजय हासिल करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका है कि जब भी बुलाया इनको अपने दरवाजे पर, ब्याह शादी या जन्मदिन जिसके मौके पर बुलाया, बेहिचक न रात समझते हैं न दिन समझते हैं। दुख हो या सुख हो, दुख हो या सुख हो, क्या आप कहेंगे यहाँ नगर निगम 145 वार्ड के लोगों को, क्या आप संदेश देंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही देना चाहते हैं कि वो लोग भी खड़ा होकर के ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे, अमानुल्लाह खान को केवल देखे, और कभी भी जरूरत हो तो इनको जरूर बुलाए, दुख हो या सुख हो। जमीन से जुड़े लोगों को वोट दीजिए, जमीन से जुड़े लोगों हैं, आज से नहीं बरसों बरसों से, दो मर्तबा MLA के सीट से भी लड़े, लेकिन कुछ एक सवाल का जवाब दीजिए हमको। आप इस वार्ड में, घर आपका है इस वार्ड में, आज भी लग रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है सो नगर निगम है, यहाँ के वार्ड पार्षद है, यहाँ लोग भी जिम्मेदार है ना, जो गलत आदमी को वोट दिया जिसके वजह से जो आज परेशानी का सामना करना, नाला नहीं, मकान नहीं, जो आवास योजना का कोई भी काम नहीं हमारे यहाँ हुआ, नाला हुआ, इसके वजह से बहुत दुख भरी कहानी है। किस किस को कहे, एक अमानुल्लाह खान ही ऐसे तक है जो हमारे विकास को आगे तक ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम फिर बात करेंगे कुछ नौजवान से भी, इसका कैमरा आगे लाइए, कुछ नौजवान से बात करते हैं। चाय की दुकान पे लोग चाय पी रहे हैं, चाय पे भी चर्चा होगी। क्या नाम है आपका, आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद मोती अंसारी। मोती अंसारी, काला काला शर्ट शर्ट पहने हुए, किसको वोट देना इस बार? हम इंशाल्लाह डिप्टी मेयर में चुने हैं अमानुल्लाह खान को, चुन लिए एकदम, एकदम चुन लिए, उसके लिए कोई दिक्कत आपको चुनने से चुना जाएगा? हमको चुनने से नहीं, पूरे समाज को चुन लिए, लेकिन नहीं देख रहे हैं कैसा भी नौजवान है जो कह रहे हैं कि हमने चुन लिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, चाय पी रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जो है किसको वोट जाएगा यहाँ से? इस बार सब अमानुल्लाह खान को वोट जाएगा ड्यूटी मेयर के लिए, ड्यूटी मेयर के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार है अमानुल्लाह खान साहब, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इनका क्या लाए अमल है, लोग इन्हें वोट क्यों देगा, लोग इन्हें वोट क्यों दे। हालांकि लोग कहते हैं कि समाज सेवी हैं, काफी समाज के खिदमत करने का काम किया है, फिर हम जानते हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का। पहले तो आप अपने बारे में बता दें। मेरा नाम अमानुल्लाह खान हुआ, नगर निगम के लिए डिप्टी मेयर की उम्मीदवारी दिया है, और 145 वार्ड की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जन अभियान चला चुके हैं। हमारी तस्वीर छुपी नहीं, छपी हुई है, हम सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, और दिन का उजाला रात का अंधेरा कुछ नहीं समझते हैं, हर दुख दर्द में जनता के हम शामिल रहते हैं। हमारी नगर निगम के जनता से एक ही अपील है, जात पात से ऊपर उठिए और सेवक चुनिए, और वैसा सेवक जो कुछ करना चाहता है उसके अंदर में। आप जहां भी हम जाते हैं, जिस वार्ड में जाते हैं, समस्याएं अनेक है। सबसे पहले तो जो अभी संकट है, कुदरती तौर पर जो संकट है, जल स्तर जो नीचे गया है, उसके लिए पानी का हाहाकार है। निगम में पहुंचने के बाद पहला काम हमारा होगा कि जल की समस्या का निदान होगा। उसके बाद जो गांव में नाला है, नाला नहीं है, उसमें नाला बनाने का काम होगा। ये प्रयास होगा हमारा, मास्टर प्लान बना करके अमीन के जरिए माफी करवाएंगे, हर वार्ड में कहां कौन जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे मच्छर के प्रकोप से परेशान है, हर वार्ड में मच्छर वाली मशीन है, उसमें काम करने वाली मशीन जो धुआं देती है, जिससे मच्छर से बहुत सारी बीमारी आती है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट में लाएंगे। और जो आवास है, जो अधर में लटका हुआ है बहुत लोगों का, उसका भी करने का प्रयास करेंगे। शहर का सौंदर्यीकरण कैसे होगा, शहर का विकास कैसे होगा, जब हर गरीब का घर पक्के का होगा? तो ये पक्के का घर सरकार की सिर्फ ढकोसला योजना नहीं है, उसको जमीन पर उतारना है। योजना पास है, शहरी विकास योजना के तहत आपको हम मकान का भी, जिनके पास पेपर पक्का होगा उसका काम निश्चित होगा, और कोशिश करेंगे कि बिना घूस घास के यह काम हो, ये प्रयास हमारा होगा। और जो जरूरत की चीजें हैं वो हम पूरा करने को तैयार हैं। हम जनता, जो मतदाता मालिक है, जो अपने मत का मालिक है, उससे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, और उन सबसे भी आशीर्वाद लेंगे कि किसी के बहकावे में मत आइए, अपना वैसा चर्चित चेहरा चुनिए जो समाज में पिछले 20-30 सालों से आपकी सेवा में तत्पर है, ये हमारा कहना। दर्शकों, देखा ये अमानुल्लाह खान, इनका कहना है कि बहकावे में मत आइए और समाज के ऐसे लोगों को चुनिए जो पिछले वर्षों वर्ष से आपकी खिदमत कर रहा हो और हर दुख सुख में आपके साथ रहा हो। हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और
लाइक कर दें।